नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों संविधान के पिछला वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है कैग, जिसको कि आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों यह प्रारंभ होता है अनुच्छेद 148 से और अनुच्छेद 151 तक ये समाप्त होता है। दोस्तों आइए हम प्रारंभ करते हैं। जो पहला हमको आर्टिकल देखना है वो है 148। ठीक, 148 में क्या है दोस्तों? 148 में पद की चर्चा की गई है। इसकी पद की चर्चा करी गई है। ये पद की चर्चा किसकी बात कर रहा है? कैग के पद की चर्चा। किसके पद की चर्चा? कैग के पद की चर्चा है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो कैग है आपका, ये एक स्वतंत्र इकाई है। इस पे किसी भी प्रकार से जो है सरकार का दबाव या हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य है जैसे कि चाहे केंद्र सरकार हो गई चाहे राज्य सरकार, भारत की संचित निधि से जो भी धन खर्च किए जाते हैं उसका लिखा पढ़ी कौन करता है? कैग करता है। कौन करता है? कैग करता है। दोस्तों अनुच्छेद 148 में कुछ अन्य बातों पर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नियुक्ति की बात, कैग के नियुक्ति की बात हम देख लेते हैं कि नियुक्ति इनकी कौन करता है। तो दोस्तों जो कैग की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति। कौन करता है? पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कार्यकाल की। कैग का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो दोस्तों जो कैग का कार्यकाल है वो या तो 65 वर्ष है। कितना? या तो 65 वर्ष तक अथवा 6 वर्ष तक। कितना? 6 वर्ष तक। यानी कि या तो ये अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक काम करेंगे या फिर नियुक्ति तिथि से लेकर के 6 वर्ष तक ये पद पर बने रहेंगे। बात करते हैं वर्तमान में। वर्तमान में कौन है भाई कैग? वर्तमान कैग कौन है तो आप बताएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू 2020 से। ये कब से हैं? 2020 से अभी तक ये जो है पद पर बने हुए हैं। दोस्तों इनके वेतन की बात कर लेते हैं। जो कैग का जो वेतन है, कैग का वेतन आपका 2.5 लाख रुपए है। कितना है? 2.5 लाख रुपए। ये जो 2.5 लाख है ये प्रति माह होता है। कितना होता है? प्रति माह होता है। ये हो गया नियुक्ति, कार्यकाल, वर्तमान कैग और वेतन। अब बात कर लेते हैं कि इनको हटाने की प्रक्रिया, इनको हटाया कैसे जाएगा? हटाने की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनको हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग जैसी प्रक्रिया ही लानी पड़ेगी। ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, इनको कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि ये त्यागपत्र किसे देते हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो कैग है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, त्यागपत्र की बात करें तो ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है, जो हमारा मंत्रिपरिषद है, इसका कोई भी सदस्य जो है कैग नहीं बन सकता है। ठीक है, इसका कोई भी सदस्य कैग नहीं बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका काम क्या है, संचित निधि से जितने भी धन निकाले जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा चाहे वो राज्य सरकार द्वारा, उन धनों को जो निकाला जा रहा है उनका लिखा पढ़ी करना। ठीक है, उनके जो है कि ये हिसाब लेते हैं सरकार से, ये केंद्र सरकार से हिसाब लेते हैं कि भाई आपने कहां कहां खर्च किया है मुझे बताइए। ठीक है, फिर ये जो है
अपना जो हिसाब है वो आगे किसे सौंपते हैं, तो लोक लेखा समिति को। किसे सौंपते हैं? लोक लेखा समिति को। ये अपनी जो इनका जो लेख होता है, इनका जो हिसाब होता है, वो किसे सौंपते हैं? ये लोक लेखा समिति। तो दोस्तों ये हो गया आर्टिकल 148। अगला हम देखेंगे आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 में कैग के शक्ति की बात करी गई है, कैग के शक्ति की चर्चा। ठीक है, इसमें यह बतलाया गया है कि जो आपका कैग है, भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है। ठीक, ये क्या होता है? भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है। इसके साथ ही साथ मैंने बताया कि ये क्या करता है, सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो गया, चाहे वो राज्य सरकार हो गया, चाहे फिर वो केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभाएं गठित की गई हैं, वहां की जो संचित निधि से जितने भी धन खर्चा किए जा रहे हैं उनका ये हिसाब लेता है। ठीक है, ये हो गया आपका जो है आर्टिकल 149। अगला आर्टिकल है 150। आर्टिकल 150 में क्या है? आर्टिकल 150 में है कि कैग केंद्र तथा राज्य दोनों के ही लेखाओं की जांच करता है। जो कैग है, केंद्र एवं राज्य दोनों की लेखाओं की जांच करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। अब दोस्तों हमारा जो अगला आर्टिकल है वहीं पे ये जो है समाप्त हो जाएगा। आखिरी आर्टिकल कौन सा है हमारा? आर्टिकल 151। 151 में क्या है? ये जो कैग है ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका कि आर्टिकल 151 में क्या कहा गया है कि जो कैग है, जितने भी रिपोर्ट है इनके, चाहे वो केंद्र राज्य दोनों की लेखाओं की जांच करने के बाद जो रिपोर्ट होता है वो किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और कैग की रिपोर्ट को जांच कौन करता है? ये सौंप तो दिए लेकिन इस रिपोर्ट की जांच कौन करेगा? तो आपका लोक लेखा समिति। दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये जो कैग है देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता तो शायद सभी राज्यों की सरकारें या फिर केंद्र सरकारें मनमाने तरीके से जो है भारत की संचित निधि से धन को जो है खर्च करते, फिर वो चाहे चुनाव प्रचार में अलग अलग तरीके से जो है वो धन खर्च करते, क्योंकि उनका कोई भी जो है जांच करने वाला होता ही नहीं, उनसे कोई रिपोर्ट मांगने वाला होता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कैग का भूमिका अहम हो जाती है। दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको बखूबी बता दिए हैं और आपको समझ में आएंगे। दोस्तों इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स आपको बतलाए हैं। आपको मैं बता दूं बहुत ज्यादा इसमें पूछता है तो आर्टिकल 148 बहुत ज्यादा पूछता है कि आर्टिकल 148 में किसकी चर्चा करी गई है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है। उसके बाद जो पूछा गया है ये इनका कार्यकाल की बात करी जाती है कि 65 वर्ष तक तथा 6 वर्ष तक। ठीक है, अधिकतम 6 वर्ष तक या फिर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ये पद पर बने रहते हैं। तो यही 2-3 प्रश्न हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, अपना त्यागपत्र किसे देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने सारे पॉइंट्स आपके समक्ष प्रस्तुत किए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके बाद जो है हम अगले भाग को देखेंगे। उम्मीद करता हूं इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहेंगे, मैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराते रहूंगा और आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।